हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। और मेरे यूट्यूब चैनल पूजा सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोग ये देखिए, मैं आई हूँ शिव शक्ति धाम। यहाँ दुर्गापुर के पास गोपाल मठ है, वहाँ शिव जी का धाम है, शिव शक्ति धाम। तो बस मैं यहीं आई हूँ। तो ये देखिए, आप मुझे ऐसा देख रहे हैं तो मैं बैक कैमरा करके भी दिखाऊंगी इस मंदिर का पूरा व्यू, और आप लोगों को भी भोलेनाथ का दर्शन कराऊंगी आगे। यहाँ देखिए शिव शक्ति धाम, और यहाँ से मंदिर के अंदर जाना है। तो अभी आरती होने में थोड़ा टाइम है, तो बस हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत फोटो वगैरह वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं, और बच्चे लोग भी थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। तो बस अब कुछ देर में आरती होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बैक कैमरा करके आप लोग को पूरा वीडियो दिखाऊंगी, तो आप लोग ब्लॉग्स में लगातार बने रहें। तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं, तो अभी 5 बज रहा है, तो अभी शाम नहीं हुआ है। तो आरती के बाद जो अब शाम होगा, तो इसका मंदिर का और भी सुंदर व्यू आता है, बड़ा ही सुंदर लगता है आरती के बाद का दृश्य। तो आप लोग आरती के पहले भी देखिए, ये यहाँ पे अरब मैं जैसे बोली कि अभी आरती में टाइम है, तो हम लोग कुछ फोटोग्राफ शूट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो बड़ा ही प्यारा है। कहीं से भी फ़ोटो लीजिए, बड़ा ही अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा अच्छा कलाकारी किया हुआ है मंदिर में, हर जगह ही बहुत अच्छा से कलाकारी किया हुआ है, और इतना ज़्यादा स्पेस है कि बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से हम लोग प्रसाद वगैरह लेके, और बाहर ही प्रसाद मिलता है। तो बस अब मंदिर के अंदर जा रहे हैं लोग, और जब आरती हो जाएगा उसके बाद प्रसाद पंडित जी द्वारा चढ़ाया जाता है। एक्चुअली सुबह में मंदिर खुला रहता है, जो लोग भी जल चढ़ाने आते हैं तो वो लोग सुबह में डायरेक्ट अंदर जाने देता है, लेकिन शाम में आरती के बाद पंडित जी द्वारा ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं लोग धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं, आरती का टाइम हो रहा है। तो तब तक सब कोई अपना फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहा था, थोड़ा बहुत घूमते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे जो कलाकारी है मंदिर का वो बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा है। और बच्चे लोग भी, मैं जब भी आती हूँ, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, और इतना ज़्यादा स्पेस है कि हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए आराध्या और पीहू भी आई है, आराध्या की दोस्त पीहू और आरब का दोस्त हर्षित, तो वो लोग भी हमारे साथ आए हैं। तो बस ये देखिए आराध्या एक कोने में बैठ गई है जहाँ पर लाइट है। तो रात में जब आरती के बाद लाइट चलेगा, उसके बाद का भी व्यू मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो में प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा नज़ारा है। और सावन के महीने में आप लोग भी भोलेनाथ का दर्शन करिए मेरे साथ। यहाँ देखिए जय भोलेनाथ, यहाँ पे बस आरती के लिए भगवान को सजाया जा रहा है अच्छे से। और तब तक हमारा भी फ़ोटोग्राफ जो भी थोड़ा बहुत क्लिक करना था तो कर लिए, लेकिन रात में जो लाइट के बाद का जो दृश्य है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ देखिए अब भीड़ थोड़ा देर में कितना ज़्यादा भीड़ बढ़ते जा रहा है। अब धीरे धीरे आरती का टाइम हो रहा है, तो लोग एकत्रित हो रहे हैं। तो अब हो गया है आरती का टाइम, और हम लोग अब मंदिर के अंदर जा रहे हैं बैठने के लिए, क्योंकि कुछ देर में ही आरती स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए हम लोग बैठ गए हैं आरती के लिए। तो आरती वाला वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी भगवान भोलेनाथ का आरती का आनंद लीजिए। और यहाँ भाभी हाय बोल रही हैं आप लोगों को। तो बस अब हम लोग बैठ गए हैं। नमः ओम जय श्री राम।
तो यहाँ पे हमारा आरती हो गया, अब हम लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक ब्लॉग्स में पूरा वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो मैं रात का भी नज़ारा बहुत ही अच्छे से आप लोग को दिखाऊँगी अगले ब्लॉग्स में। तो आप लोग मेरा शिव शक्ति धाम का जो नेक्स्ट ब्लॉग है, पार्ट टू जो है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वाला वीडियो कैसा है। और मैं जल्द ही इसका पार्ट टू डाल रही हूँ नेक्स्ट डे, तो आप लोग जरूर देखिएगा वो वाला वीडियो। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।